तालाब में डूबी महिला के शव को जवानों ने रेस्क्यू चलाकर निकाला बाहर। नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तौरिया में स्थित तालाब में अज्ञात महिला का शव पानी में डूबा हुआ मिला। महिला की उम्र करीब 22 वर्ष है। इसकी सूचना नौगांव थाना पुलिस ने जिले के होमगार्ड कमांडेंट करण सिंह को दी। जिला सेनानी ने सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से होमगार्ड कार्यालय में तैनात जवानों को दौरिया रेस्क्यू के लिए भेजा, जहां पर होमगार्ड कार्यालय के जवानों द्वारा रेस्क्यू चलाकर नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम दौरिया में तालाब में डूबी महिला की डेड बॉडी को बरामद कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। रेस्क्यू टीम से मिली जानकारी के अनुसार तालाब में डूबी महिला की डेड बॉडी किसी अन्य गाँव की है, अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। घटना की जानकारी लगते ही नौगांव SDOP चंचलेश के साथ थाना प्रभारी दीपक यादव सहित पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। महिला की बॉडी को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस रेस्क्यू टीम में होमगार्ड कार्यालय में पदस्थ जवान शामिल रहे। जी, क्या नाम है आपका? धीरज सिंह वंदेला नाम है भैया जी। क्या है आप? पंचायत दौरिया से सरपंच हैं जी। सरपंच महोदय जी, क्या एक महिला की लाश मिली है तालाब में? क्या पूरा अभी सवेरे करीब 8:30 बजे हमको पता लगा कि एक महिला दिमाग से विक्षत टाइप की थी। वो पहाड़ियों के किनारे किनारे आई, वहाँ एक लड़का नहा रहा था, तो उसने देखा कि वो उसके मना करने के बावजूद भी तालाब में घुसती गई। फिर गहराई में पहुँचने के बाद वो डूब गई। हमको खबर लगी तो हम लोग आ गए वहाँ, प्लस की रेस्क्यू टीम भी आ गई थी छतरपुर से, पत्कर महोदय भी आ गए थे और SDOP साहब भी आ गए थे, TI साहब, सब लोग रहे। और वो बच्ची अभी निकाल ली गई है। बच्ची की? महिला नहीं, बच्ची, वो 20-22 साल की उम्र होगी। तो मृतक निकली है? मृत निकली है वो, करीब 3-3.5 घंटे का टाइम हो गया। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।